हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आलू के पराठे तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आज मैं आलू के पराठे की नई रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो डबल लेयर वाला पराठा। इसमें सिर्फ आटे की डबल लेयर नहीं, इसमें आलू की भी डबल लेयर होगी। जैसे ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर। तो इसको मैंने कैसे और किस चीज से बनाया, तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार, टेस्टी और एकदम सॉफ्ट आलू का पराठा बनाना। हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने आलू का पराठा तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आलू के पराठे की, जिसे आपने शायद नहीं बनाया होगा। तो मैं इसलिए आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ कि जिससे आपका पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी और करारा और एकदम बहुत अच्छे स्टफ वाला बनेगा। तो उसके लिए लिए मैंने ये दो आलू। तो इन आलूओं को हम उबाल लेते हैं और उबाल के इनको अच्छे से मैशर की सहायता से मैश कर लेते हैं। तो ये आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए। ये देखिए, इसमें कोई भी गांठ नहीं है। आलू को इतना मैश करना है कि इसमें कोई गांठ ना रह जाए। अब लेंगे हम इसमें हरी मिर्च और ये लेंगे अदरक। ये मैंने लिया है थोड़ा सा चाट मसाला और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिसको मैंने पहले से धो लिया है। और मसाले में लेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो इसलिए हम लेंगे इसमें लाल मिर्च। और थोड़ा सा लेंगे नमक, स्वाद के अनुसार लेंगे हम इसमें नमक और इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जब तक हमारी ये अच्छे से पिट्टी तैयार हो रही है और हमारा आटा भी सॉफ्ट हो रहा है, इतनी देर में हम रख देते हैं तवा पराठा बनाने के लिए। तो ये आलू की पिट्टी हमारी बनके तैयार है, इसे रखते हैं साइड और लेते हैं एक आटे का पेड़ा। ये लिया मैंने एक थोड़ा नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा लिया। ये गेहूं चने का आटा है, आपके पास नॉर्मल है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। मैंने ये गेहूं चने का आटा लिया है क्योंकि ये सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। अब लगा लेते हैं इसमें हम सूखा आटा और एक रोटी हम बेलते हैं। तो ये रोटी हमें इस तरीके से बेलनी है, लेकिन रोटी हमें ये गोल नहीं बनानी, ये रोटी हमें लंबी बनानी है इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से लंबा इसको बेल दिया है। अब करने हमें इसके तीन पार्ट, एक दो तीन। तो लेंगे हम यहाँ से इसको और इस तरीके से हम दबा देंगे और इसी तरीके से हम इसको यहाँ से भी दबा देंगे। इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। अब लेंगे आलू की पिट्ठी, तो वो जो पिट्ठी हमने ली है उसका बनाएंगे एक हम इस तरीके से पेड़ा, वो इस पे हम रख देंगे और इसी तरीके से हम दूसरा भी खूब अच्छे से बना लेना है। तो हमें ये भी इसमें रख देना है। अब लेंगे हम ये खाली वाला पार्ट, तो इसमें लगाएंगे हम चिली सॉस। अगर आप शेजवान सॉस या मीठी सॉस बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मीठी सॉस भी लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ इसमें चिली सॉस। तो ये इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे चिली सॉस। तो ये लगा ली मैंने चिली सॉस। तो अब लेंगे हम ये वाला पार्ट और इसको इस तरीके से हम दबा देंगे और ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा करेंगे फोल्ड इस तरीके से और इसको हम दबा देंगे ऊपर से और यहाँ से कर देंगे अच्छे से हम कवर। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा पिट्ठी बन जाएगी। अब इसे हम हल्के हल्के आंच से सूखा आटा लगा के गोल पराठे की तरह बेल लेते हैं। तो ये पराठा मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, इसलिए हम इसे इस तरीके से बेल लेंगे। तो मैं इसे हल्के हल्के आंच से सूखा आटा लगा के बेल लूंगी। अब इसे हम सेक लेते हैं।
ये पराठा आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कितना मोटा है, लेकिन इसमें आटा इतना नहीं है जितनी इसमें स्टफ भरी हुई है, इसलिए ये ज्यादा टेस्टी लगेगा और ये ज्यादा टाइम तक एकदम सॉफ्ट रहेगा। अगर आप लंच में देंगे बच्चों को तो बच्चे इसे आराम से पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। अब इसे हम नीचे से चेक कर लेते हैं, अभी ये सिका नहीं है, सिक जाएगा तो हम इसे पलट के सेक लेंगे। तो अब ये पराठा हमारा ऊपर से भी सिक चुका है और मैं दिखाती हूँ आपको ये नीचे से भी सिक चुका है। और लगाते हैं इसमें घी, आप चाहे तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसे घी या रिफाइंड तेल किसी से भी सेक सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सेक लिया, तो ये देखिए पराठा हमारा चारों तरफ से सिक चुका है। अब ये हम इसे चेक कर लेते हैं, नीचे से भी ये सिक चुका है। ये देखिए ये दोनों तरफ से हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये तैयार है हमारा डबल लेयर वाला आलू का पराठा, मतलब इसमें लेयर भी डबल है और इसमें स्टफ भी डबल है। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ खोल के, देखिए ये देखिए ये और इसकी ये ऊपर वाली भी लेयर में दिखाती है, देखिए ये वाली भी और ये अंदर वाली भी। तो ये इतना बढ़िया पराठा बनता है और देखिए ये सॉफ्ट कितना है, ये देखिए अपने आप पूरा पराठा एकदम फैल गया। तो आप इसे बटर के साथ या जो सफेद मक्खन आता है उसके साथ खाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही तीखा है तो इसमें अचार की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक बार जरूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे मैं इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूं। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।